हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सेल टू पावर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन एक्सेल एंड हाउ यू कैन फिक्स देम। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी भी डेटा पे काम करते हैं तो आप बहुत सारे एक्सेल के फंक्शंस के और फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन फंक्शंस को यूज़ करते टाइम या उन फार्मूलाज को यूज़ करते टाइम आपको अलग अलग एरर्स फेस करनी पड़ती है, जिनको फिर आपको रेक्टिफाई करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो द होल आइडिया टू प्रिपेयर दिस वीडियो इज कि अगर हम लोगों को पहले से ही पता हो कि ये एरर किस रीजंस की वजह से आती है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, देन इट बिकम इजी फॉर अस टू रिजॉल्व इट। सो चलिए देखते हैं आगे कि हमारे पास एक्सेल में कितनी टाइप्स की एरर्स होती है एंड हाउ वी कैन फिक्स देम ऑल। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर इन एक्सेल, सो हमारे पूरे के पूरे एक्सेल में इन टोटल 7 तरीके के एरर्स होते हैं। जी हाँ, वेदर यू आर यूजिंग एनी बेसिक फार्मूला और एडवांस फार्मूला, एक्सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ यही 7 तरीके के एरर्स दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी मेंशन द 7 टाइप ऑफ एरर्स विच वर अवेलेबल इन द एक्सेल एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, या फिर हर एरर के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो द फर्स्ट एरर जो कि हमें दिखती है या जो हम एरर के अंदर आपको मिलेगी वो होती है डिवाइड की। जी हाँ, अगर मैं अपनी किसी भी वैल्यू को जीरो से या फिर ब्लैंक सेल से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा या फिर अपने फॉर्मूले में कुछ ऐसा इम्प्लाई करूँगा जहाँ पे वो चीज़ जीरो से डिवाइड हो रही होगी, तब मेरे पास ये डिवाइड वाला मेरा फर्स्ट एरर शो करता है। प्रैक्टिकली अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ मेरी सेकंड वैल्यू से, सो मेरे पास सेम एरर, डिवाइड वाला एरर शो करेगा। अगर यहाँ पे जीरो की जगह ब्लैंक होता है तब भी मेरे पास सेम चीज आती है। सो दिस इज द फर्स्ट एवर एरर जो कि हमारे पास आ रहा है। द सेकेंड टाइप ऑफ एरर विच वी गेट इज द हैश एन ए। हैश एन ए इज बेसिकली नॉट एन एरर, ये एक तरीके का एरर नहीं है, बट सपोज अगर मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई करा और उसके फॉर्मूले के अगेंस्ट उसका मेरे पास कोई आउटपुट नहीं है तब मेरे को ये हैश एन ए की वैल्यू मिलती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर जो कि आपको आपके काम करते टाइम या फिर फॉर्मूला यूज करते टाइम एक्सेल में मिलेंगी। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सपोज कीजिए मेरे पास एक ये रेंज है पूरी की पूरी और मैं इसके अंदर ये वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग दी वी लुकअप। सो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, दिस इज द रेंज वेयर आई हैव टू फाइंड दिस 9 एंड दिस वुड बी माई कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आइडली अगर देखा जाए तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे पास जो मेरी रेंज है उसके अंदर मेरी 9 वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास क्या है होना चाहिए, मेरे पास हैश एन ए का एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो हैश एन ए है वो काम करता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होती, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, तो क्या हुआ मेरे पास 12 एज अ आउटपुट आ गया। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जो कि मेरे फंक्शन के हिसाब से मेरे पास उसका कोई आउटपुट ही नहीं है, तब मुझे हैश एन ए की वैल्यू या फिर एरर मिलता है बेसिकली। द थर्ड टाइप ऑफ एरर जो कि हमें एक्सेल में मिलती है दैट इज नोन एज हैश नेम। हैश नेम का मतलब हुआ बेसिकली एक्सेल के हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं नेम मैनेजर। उस नेम मैनेजर के अंदर हम कोई भी पर्टिकुलर अपनी वैल्यूज की रेंज को स्टोर करवाते हैं। लेट मी शो यू बाय डूइंग विद द एग्जांपल। सपोज कीजिए मेरे पास एक रेंज है, मैंने अपने फॉर्मूलास में जाके नेम मैनेजर पे गया और मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम दे दिया और इसको स्टोर करा लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो देख रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यूज मेरी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। मैंने इसको क्लोज करा। अब क्योंकि ये नेम मैनेजर के थ्रू मैंने इस रेंज को सेव करवा लिया है, तो अब इस रेंज को मैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सम और मैंने उस रेंज को नाम दिया था, तो देख रहे हैं आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको वो रेंज एक्सेल उठा कर दे रहा है। मैंने टैब प्रेस करा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, तो क्या हुआ जो रेंज मैंने यहाँ पे सेव करी थी नेम मैनेजर के थ्रू उसके हिसाब से मेरे को आउटपुट आ गया। नाउ सपोज बाय मिस्टेक मेड से कल को वो रेंज जो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई थी
ये डिलीट हो जाती है। मैंने इसको क्लोज करा और क्या हुआ, मेरे पास हैश नेम का एरर आ गया। तो हैश नेम आपके पास तभी आता है जब भी कभी मैं अपने एक्सेल में, अपने किसी मॉडलिंग में या डैशबोर्ड में मैंने कोई नेम डिफाइन करवाई एक्सेल को और वो नेम गलती से डिलीट हो गई जो कि मेरे फॉर्मूले में, फंक्शन में यूज हो रही थी, देन आई पर्टिकुलरली गेट दिस हैश नेम एरर। द फोर्थ एरर इज हैश नल। दिस एरर कम्स व्हेन वी बेसिकली द सेल एड्रेसेस, और जो हम फंक्शन के अंदर जो सेल की रेफरेंसेस देते हैं अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तब ये एरर आती है। अगर हम एग्जांपल से समझे तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सम, या सम भी नहीं, मैंने इसको टोटल दिस प्लस दिस करा, एंटर मारा, मेरे पास अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेल की रेफरेंसेस दे रखी हैं दोनों उसको कहीं एक पर्टिकुलर एक फंक्शन से जोड़ रखा है। अगर मैं ये प्लस हटा दूं, यहाँ पे स्पेस दे दूं, तो क्या होगा, तो मेरे पास ये नल की एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडली मेरे पास जो मैंने सेल लिंक कर रखे हैं, जो सेल एड्रेस, दो सेल एड्रेस आपस में लिंक कर रखे हैं, उनके बीच में इनको कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी आई वुड से दी ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो नल वैल्यू मेरे पास हमेशा तब आएगी जब मेरे जो सेल एड्रेसेस हैं वो इनकम्पेटेबल है। द नेक्स्ट एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ एरर जो एक्सेल में हम लोगों को देखने को मिलेगी वो होती है वैल्यू की। वैल्यू की एरर क्या होती है? वैल्यू की एरर बेसिकली आपका जो डेटा टाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल डेट, टाइम, टेक्स्ट, नंबर, अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो उनके जो डेटा टाइप होने चाहिए वो भी नंबर ही होने चाहिए। अगर मैं नंबर और टेक्स्ट को ऐड करूंगा तब मेरे पास ये वैल्यू की एरर आएगी। जैसे कि मैंने करा दिस आइटम, दिस सेल 14+1, दोनों मेरे पास नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पे होम पे जाके भी इनका फॉर्मेट देखूँ तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि ये नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इंस्टेड ऑफ द न्यूमेरिकल वन आई टाइप इट वन एज द टेक्स्ट, तब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास हैश वैल्यू का एरर आ गया। विच सिंपली मीन्स कि जो भी फंक्शन, जो भी फॉर्मूला, जो सेल मैं यूज कर रहा हूँ आपस में, उसके अंदर से किसी एक में या फिर दो में मेरे पास डेटा टाइप का मिसमैच है, वो डेटा टाइप कहीं ना कहीं मेरे अलग अलग है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। द सिक्स्थ एंड द सेकेंड लास्ट एरर टाइप विच वी हैव इज द रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 13 को मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ या फंक्शन यूज करता हूँ 15+13, मेरे पास आउटपुट आ गया। अब मैंने इस फंक्शन को लगाने के लिए दो सेल की रेफरेंसेस यूज करी हैं, ठीक है, द फर्स्ट इज द E11 और जो दूसरा है वो है H11। नाउ सपोज कीजिए बाय मिस्टेक ये मेरे से डिलीट हो गया, तो क्या हुआ, मेरे पास ये एरर आ गई। ये एरर मुझे बता रहा है कि जो भी दो सेल मैंने आपस में इंटरलिंक्ड करे थे, जो जोड़े थे, उसमें से किसी एक सेल की जो रेफरेंस है चाहे तो वो डिलीट हो गई है या फिर जो पहले जहां पे एग्जिस्ट करती थी उससे कहीं और शिफ्ट हो गई है, ताकि वो, जिसकी वजह से वो उस सेल की जो रेफरेंस है वो पिक नहीं कर पा रहा है। द सेवंथ एंड द लास्ट एरर विच वी हैव इज द नम एरर। नम एरर बेसिकली आपको इतनी आसानी से ज्यादातर नहीं मिलेगा। अगर मैं एक्सेल के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन लगा रहा हूँ, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जहाँ पे मेरा जो आर्ग्यूमेंट है या जो लॉजिक है वही गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर रूट माइनस नंबर्स का निकालूँ, -2 का -5 का, ठीक है, या फिर मैं लॉग निकालने की कोशिश करूँ नेगेटिव नंबर का, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल, तब मुझे ये हैश नंबर का एरर थ्रो करता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरे पास एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है लॉग, ठीक है, जो कि हमारे मैथ्स के अंदर लॉगरिथम होता है, वो सेम चीज ये भी कैलकुलेट कर सकता है। मैंने इज इक्वल टू लॉग करा, टैब प्रेस करा और यहाँ पे उसको दिया नंबर और मैंने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। नाउ एज यू कैन सी लॉग इज बेसिकली एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव की जगह -16 है, अब मैं यहाँ पे अगर एंटर मारूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को वो एरर थ्रो कर देगा। अगर यही चीज में 16 पे लगाता सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे,
तो मुझे वो उसकी वैल्यू दे देता. सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड द मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि आपके ये एरर थ्रो करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल विच वी कैन यूज इज बेसिकली फॉर द स्क्वायर रूट. अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज कीजिए मैं पहले निकालता हूँ 16 का स्क्वायर रूट विच इज एन पॉजिटिव नंबर, तो मेरे पास क्या होगा 16 इंटू 16, राइट? सॉरी, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो मेरे पास एरर आ गया, मेरे पास नंबर आ गया. अब इसी की जगह अगर पॉजिटिव नंबर की जगह मैं यहाँ पे माइनस 16 यूज करूँ विच इज लॉजिकली रॉन्ग, तो क्या होगा, मेरे को वो एरर थ्रो कर देगा. सो गाइस, दिस इज द सेवन एरर्स विच वी हैव. द फर्स्ट वन इज बेसिकली व्हेन वी डिवाइड एनी वैल्यू विद जीरो और ब्लैंक सेल, तब मेरे पास डिवाइड का एरर आता है. हैश एन ने आपको बताता है कि जो भी फंक्शन आप लगा रहे हो उसके अगेंस्ट अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो मुझे हैश एन ए देता है. हैश नेम का एरर आता है जब जो नेम रेंज आप यूज कर रहे हो फंक्शन में वो आपसे गलती से डिलीट हो जाए, तब मेरे पास थर्ड टाइप की एरर आती है. नल एरर मेरे पास बेसिकली आती है तब जब मेरे पास जो सेल की रेफरेंस है वो इनकम्पैटिबल हो. द फिफ्थ एरर इज हैश वैल्यू. अगर मेरे पास दो सेल का जो डेटा टाइप है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो अगर अलग अलग है, एक नंबर है और एक टेक्स्ट, और मैं आपस में उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूँ, तब मेरे पास हैश वैल्यू की एरर आती है. रेफरेंस एरर, अगर आपने दो या मल्टीपल सेल्स को आपस में लिंक कर रखा और उसमें से किसी भी एक सेल की रेफरेंस और आई वुड से सेल एड्रेस, चाहे तो वो डिलीट हो गया या फिर वो शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, तब मेरे पास हैश रेफरेंस की एरर शो करेगी. द लास्ट वन इज हैश नम, जो कि आपको ज्यादातर मैथमेटिकल या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं हमारे उसके अंदर दिखेंगे. इन फंक्शंस में अगर मैं जैसे लॉगरिथम है या फिर स्क्वायर रूट है, इनमें अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर यूज करूंगा तब मेरे पास ये एरर्स आती है. नाउ द सेकेंड पार्ट और द कंसर्न, मुझे सारे टाइप्स तो पता चल गए ना, तो मेन कंसर्न इज कि हम इन एरर्स को हटा कैसे सकते हैं. सो द इजी वे अराउंड इज, हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इफ एरर. अब वो इफ एरर क्या करता है, इफ एरर बेसिकली आपको कहता है कि जो भी फंक्शन आपने यूज करा है पहले वो चले, और अगर उसके अंदर कोई भी एरर आती है तो आप उसको एक सेकेंड आउटपुट देते हो कि आप क्या चाहते हो. सो सपोज कीजिए मैंने सारी कैलकुलेशन करी हुई है और मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ एरर. सो द माई फर्स्ट कैलकुलेशन और द प्राइमरी कैलकुलेशन विच आई वॉन्ट टू डू इज बेसिकली द ई सिक्स डिवाइडेड बाई द एफ सिक्स. नाउ आई प्रेस द कॉमा एंड नाउ दिस इफ एरर सिंटेक्स इज आस्किंग मी टू प्रोवाइड मी द सेकेंड आउटपुट इफ विद माई प्राइमरी फंक्शन इफ एनी एरर इज कमिंग. मतलब अगर मेरे जो प्राइमरी फंक्शन है जो कि है ये वाला, इसमें अगर कोई एरर आता है तो इफ एरर को एक दूसरा आउटपुट हमें देना पड़ेगा जो कि वो पॉपुलेट कर देगा. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जीरो और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज. सो क्या हुआ, अब वो मेरे को एरर नहीं दे रहा, अब वो मुझे क्या दे रहा है, वो मेरे को एंट्री पास करवा रहा है जीरो की. सो दिस इज द वन फंक्शन जो कि आप एरर हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी. सो वी विल कम नेक्स्ट वीक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए बाय बाय.